प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में लगातार वोटिंग जारी है। इसी कड़ी में आज फर्रुखाबाद में भी 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदान के साथ साथ फर्रुखाबाद सदर, कायमगंज, अमृतपुर और भोजपुर में भी मतदान हो रहा है। इस समय यूपी टीवी टीम की आज जो है वो फर्रुखाबाद के लिंजीगंज अस्पताल में पहुंची है और जहां पर आपको दिखाएंगे आज हम कि किस तरह से लोग मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से भारी संख्या में पुरुष मतदाता खड़े हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान करने आ जाए हैं। यूपी टीवी टीम की न्यूज मतदाताओं से अपील भी लगातार कर रही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में हम कुछ युवाओं से बात करेंगे। युवा भी आज वोट डालने आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को लेके आज वो वोट डालने आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? तो क्या मुद्दे हैं आपके पास आज आप वोट करने आए हैं? मेरा मुद्दा ये रहेगा यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस करने का टास्क को कैसे कर दिया बीजेपी सरकार। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र ऐसा है यहाँ पर शिक्षा तो स्कूल तो खुली नहीं रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए। और कोई मुद्दे हैं? और मुद्दे क्या, बेरोजगारी बहुत है यहाँ, काम धंधा है ही नहीं, लोग परेशान होंगे इस सरकार। आपने देखा एक युवक थे हमारे साथ में, बता रहे थे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, गंगा एक्सप्रेस वे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो वो बता रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर हम वोट करने आए हैं। इसी कड़ी में और भी महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं डालने आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर साथ में ये महिला है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पे आज आप वोट करने आए, क्या चीज आपको आप बताइए, आपके पास आप बताएंगे और भी महिलाएं हैं, देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आप बताएंगे मैडम क्या मुद्दे हैं आपके, मतलब किन मुद्दों पर आपके कोई मुद्दा नहीं देखा है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, क्या मुद्दे हैं आप बताएंगे? देखिए महिलाएं हैं वो बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं, नहीं बता पा रही हैं कि उनके पास आखिर क्या मुद्दे हैं। बाकी हम आपको दिखाएंगे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जमकर कर रहे हैं और टीम भी हमारी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि मताधिकार का अपना प्रयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद।